तो कैसे हो? आज हम रियल नंबर का फोर्थ पार्ट जो अपना बचा हुआ था वो डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट कौन सा भाई? डेसिमल एक्सपांसन। तीन पार्ट हो चुके थे पहले ही। फोर्थ पार्ट है डेसिमल एक्सपांसन्स ऑफ रियल नंबर्स, या फिर कह सकते हैं रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स का। 9th क्लास में बहुत सारे बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप लोगों का चैप्टर था रियल नंबर, उसी में बेस्ट उसी में था ये वाला डेसिमल एक्सपांसन। तो डेसिमल एक्सपांसन को जानने के लिए हम लोग बात करें भाई। एक तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, पहली बात तो, यानी वो नंबर्स जिसमें पॉइंट हो उनको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल है तो 2.456, 46 ये आप लोगों का डेसिमल नंबर है। यानी ऐसा नंबर जिसके दो पार्ट हो, एक पॉइंट के पहले और दूसरा आप लोगों का पॉइंट के बाद में, तो उनको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल एक्सपांशन से क्या मतलब है, यानी डेसिमल के बाद में जो नंबर आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे आप लोगों के, वो डिजिट्स कैसे होंगे? कैसे का मतलब सर, 1 to 9 में से कुछ होगा। हाँ भाई, 1 to 9 में से कुछ होगा, लेकिन क्या होंगे, कितने होंगे? जैसे हम लोग नहीं देखते, एग्जाम्पल में आप लोगों के पास में तीन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक तो ये है 2.467, यहाँ हो गया है ना। दूसरा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 2.414141414 एंड डॉट डॉट सो, ठीक है। तीसरा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2.9516724523241927 एंड सो ऑन डॉट डॉट। क्या हुआ? अब ये सिचुएशंस है डेसिमल एक्सपांशन के बाद में कि थ्री सिचुएशंस आ सकती है। या तो वो रुक जाए यानी फिनिश हो जाए, दैट मींस पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट के बाद में वो डिजिट्स का क्या हो जाए, रुक जाए यानी डिजिट्स आए नहीं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, 2.414141414 यानी एक ही जैसे डिजिट्स आए, एक जैसे डिजिट्स आए। देखते नहीं हो आप लोग कुछ डिजिट्स के बाद में, हम लोग क्या होता है 4141 ऐसे आते हैं, तो सर बार बार आ रहा है, तो हम लोग बस एक बार 41 लिख के छोड़ दें। और तीसरी बात, कैसा डिजिट्स आए आप लोगों के, तीसरी बात क्या है कि भाई पॉइंट के बाद में डिजिट्स तो आए 1 to 9 ही, लेकिन उनमें से भी क्या आता है, वो डिजिट्स क्या आते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं आते, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आते। कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आते। ये तीन तरह की सिचुएशंस आ गई। अब ये तीन तरह की सिचुएशंस है तो तीन तरह के डेसिमल एक्सपांशन हो गए सर? नहीं, दो तरह के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं। कौन से हो गए? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है ना, उसमें दो तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग में कौन सा हो गया भाई, ये वाला टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाता है, जो रुक जाता है, जो फिनिश हो जाता है, जो टर्मिनेट टर्मिनेट यानी कि आउट होना, यानी कि एलिमिनेट हो जाना, यानी निकल जाना, यानी फिनिश हो जाना, तो वो क्या हो गया आप लोगों के, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो वहां पे लिखा हुआ है, देखिए नाम से ही दिख जाएगा आप लोगों को, रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी नंबर्स का रिपीटेशन होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा हो गया आप लोगों का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। और ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो कैसे है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है एक प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको तो हम लोग क्या हो गया, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आप लोगों के पास में, रेशनल नंबर्स जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज कैन नॉट बी जीरो एंड पी एंड क्यू आर बोथ आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है आप लोगों के, इंटीजर्स है, यही ना। और इरेशनल नंबर्स कौन से हो गए आप लोगों के, इरेशनल नंबर्स जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए, इरेशनल नंबर। क्यू कैन नॉट बी जीरो होना चाहिए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी क्यू कैन नॉट बी जीरो होना चाहिए। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब सीधी सी बात है, ये जो नंबर है इसको तो हम लोगों को क्या करना था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2.467 है ना, तो इससे ये पॉइंट हटाया, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3,
तीन डिजिट्स है तो तीन जीरो लगा दिया, 1, 2 और 3। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करके जितने भी आप लोगों के नॉन डिविजिबल इंटीजर्स आएंगे तब तक आप लोग कैंसिल आउट करके और जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो वो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो गए। तो यानी कि जिन जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का हुआ वो क्या हो गए भाई आप लोगों के रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए, वो क्या हो गए रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए। दूसरी बात, अब इनको आप लोगों को बदलना सीखा होगा 9th क्लास में, आप लोगों को इनको रेशनल नंबर्स में कैसे लिखते हैं, वहां पे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जांपल्स में क्वेश्चंस आते थे 9th क्लास के एक्सरसाइज में कि 2.41 है, इसको ऊपर बार लगा के होता था और बोला जाता था कि इसको p / q की फॉर्म में लिख दिया। आप क्या करते थे, x = 2.41 अज्यूम करते थे और फिर उसके बाद में जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने को उतने 100 से या 10 से उससे मल्टीप्लाई करके और उसको लिखते थे। तो इनको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इनका क्या कर, इनको हम लोग क्या नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो ये क्या हो गए भाई आप लोगों के, इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सी कैटेगरी में चले गए आप लोगों के, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ये किस में रही, इरेशनल में, और ये रेशनल नंबर्स की कैटेगरी। मींस ये हुआ कि भाई आप लोगों के पास में जितने भी नंबर्स है ना रियल नंबर में, उनके रियल नंबर्स के दो तरह के तीन तरह के डेसिमल एक्सपांशन हुए। वैसे तो दो ही हुए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स हो गए। तो यानी कि हम लोग जनरल हम लोगों को बताया जाए तो हम कह सकते हैं सर कि अगर मान के चले कि भाई जिन जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन, जिन जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का हो, टर्मिनेटिंग टाइप का, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी। वो किस में आते हैं आप लोगों के, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। और जिनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, तो वो किस में आएंगे आप लोगों के, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। यानी कि मतलब सीधी सी बात है, ये आप लोगों के कौन से हो गए, √2, √3, √4 ऐसे जो है वो आप लोगों के क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स की। तो मतलब ये हो गया कि सीधी आप लोगों को नंबर्स दे दिया कि सर इनका डेसिमल एक्सपांशन बताएं। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में तो बताना है क्या, सीधा सीधा बात है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, रेशनल नंबर्स में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि सर हमें टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में बस रिपीटिंग होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। बस यही इस चैप्टर की न्यू है, यही चीजें आप लोगों को सीखनी है कि किसका तो टर्मिनेटिंग होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इस पे कि टर्मिनेटिंग किसका होगा और नॉन टर्मिनेटिंग किसका होगा। उस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन किसका होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन किसका होता है। दोनों ही आप लोगों के होते कैसे हैं, किसके हैं वैसे, दोनों ही आप लोगों के होते हैं रेशनल नंबर्स के, दोनों ही किसके होते हैं, रेशनल नंबर्स के होते हैं। कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा तो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। जनरली मैं एक नंबर लूं कि 3/8 है, कैसे पता चलेगा सर, डिवाइड ही करेंगे हम लोग तो सीधा क्या डिवाइड करें, 3 में डिवाइड करेंगे किसका, 8 का, 0 टाइम पॉइंट और यहाँ 0, 3 टाइम 24, 6 0 7 टाइम 56, 4 0 8 टाइम, कितना हो गया 0.375। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करें सर 9/11 सोल्व करें, 9 डिवाइड करेंगे 11 का,
जाता नहीं है, तो जीरो पॉइंट यहाँ जीरो, हम लोग कितने टाइम, एट टाइम, 88। फिर उसके बाद में कितना हुआ यहाँ से, टू जीरो वन टाइम, 11। फिर से क्या रह गया, 9, फिर से जीरो, फिर क्या हो गया आप लोगों का, 8 टाइम, 88। फिर से क्या हो जाएगा, 2, फिर 0, फिर 1 टाइम, फिर 11, फिर 9, एंड फिर आप लोगों का क्या होगा, 0 को 8181, क्या हो गया आप लोगों का, 818181। यानी डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग जो फिनिश हो जाता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जो आप लोगों का क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो टू टाइप के डेसिमल एक्सपांशंस हो गए रेशनल नंबर्स के। इरेशनल का तो सीधा सीधा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना, सोचने के बाद सीधा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सोचने वाली बात किसमें है, रेशनल नंबर्स के। रेशनल में कौन सा हो गया, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। सर पता कैसे चलेगा, डिवाइड करके देख लीजिए, हर बार ही डिवाइड करके देखेगा सर, नहीं यही तो बात सीखनी है भाई यहाँ पे हम लोगों को, कि बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाएं कि इनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का है और इनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ लिखवा रहा हूँ, उस पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसका तो टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रिपीटिंग वाला, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे थे हम लोग डेसिमल एक्सपांशन को समझने के लिए, कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपांशन होंगे वो कैसे होंगे, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये 125 है ना, इसको डिवाइड करें हम लोग 13 से, डिवाइड करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे 125 से, इसमें तो ये जाएगा नहीं, तो जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, ये पॉइंट लग गया, कितने टाइम, वन टाइम, ये 125 कितना हो गया यहाँ से, 5 रिमाइंडर, और ये जीरो कितना हो जाएगा, ये जाएगा नहीं, तो फिर से जीरो लग जाएगा, ये एक जीरो और कितना हो गया, 4 टाइम, ये हो गया 104, 0.104 हो गया आप लोगों के पास में, इसका डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0.81 जा डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग ऐसे, इधर 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो इस 0 और यहाँ पे 0.8 टाइम 64, फिर क्या रह गया आप लोगों के पास में, 6 0 7 टाइम 56 4 0 5 875, कितना हो गया यहाँ से, 875, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 टाइम, 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 0.1, फिर उसके बाद में 3 4 टाइम, फिर क्या रह गया, 2 टाइम, फिर से आप लोगों का फिर से 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का, 7 वन जा 1 टाइम, फिर 3 रहेगा 4 टाइम, फिर 20 6 के बाद में 8 टाइम, फिर 4 और 0 आप लोगों के पास में रह जाएगा। इसका डिवाइड आप लोग वैसे करके देखिए फिर, क्योंकि ये रिपीटेशन वाले हैं इसलिए ज़्यादा सही रहेगा। 1 में डिवाइड करेंगे हम लोग 7 का, 0.0 इधर 1 टाइम, यहाँ से 3, फिर 0, ये कितना 4 टाइम 28, फिर यहाँ से क्या रह गया 2 और 0, फिर ये 2 टाइम, फिर 14 यहाँ से 6 0 8 टाइम 56, फिर यहाँ से 4 और 0, 4 और 0 के बाद में 5 टाइम, फिर क्या रह गया 5 और 0, फिर ये 7 टाइम 49, और फिर से आप लोगों को क्या रह जाएगा 1 और 0, फिर से वापस से क्या आ गया 10, यानी फिर वापस रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8, फिर 5 7, इतना हो गया। उसके बाद में डॉट डॉट आपका वापस से ये रिपीटेशन ही रहेगा, इनका फिनिश और इनका भी फिनिश और इनका रिपीटेशन नहीं है वापस से। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ से, ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ से, फिर 2 और 0 रहेगा,
यहाँ। हाँ भाई, इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 और 6 एंड 6 ओम ऐसे आगे चलता जाएगा। अब आगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में कितना आएगा, यहाँ से 0. आप लोगों के पास में डिवाइड करके देख लीजिए, 77 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 210 से, तो वैसे तो जा नहीं रहा, तो ये जीरो और यहाँ पे पॉइंट आप लोगों का, तो इधर भी फिर जीरो लग जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 630 टाइम कितना हो गया, 630 यहाँ से, फिर ये कितना रह गया, 0 और यहाँ से आप लोगों का 4 और 1। यहाँ से जब एक और जीरो लगेंगे, ये 3 और यहाँ से एक और जीरो लगा दिया तो 1400, और यहाँ से ये 6 चला जाएगा, 6 करेंगे तो 6, ये 1260, यहाँ से कितना रह जाएगा, ये 0 और फिर 1 140, फिर से आप लोगों का क्या रहेगा, वही 0, यानी कि वही 1400 1400 1400 आप जाते रहेंगे तो ये हो गया 1.366 एंड आगे भी आप लोगों का 100 ऐसे ही रहेगा, इतना रहेगा यहाँ से 6, 6 एंड 6 ओम। अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके मैंने डेसिमल एक्सटेंशन देखे हैं अगर आप लोग, तो इस एग्जांपल में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के 0.104 के बाद में ये क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी खत्म हो गया, इसके बाद में आगे नंबर्स पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो ये कौन सा हो गया आप लोगों के पास में, टर्मिनेटिंग, ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया ये वाला, और ये भी कौन सा हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया आप लोगों का, लेकिन इनमें देखिए ये वापस से रिपीट हो रहा है, यानी 1428857 फिर से आगे आएगा 1428857, और सिमिलरली इसमें भी एक डिजिट के बाद में आप लोगों के बाद में 666 यानी वापस रिपीट हो रहा है, और ये भी आप लोगों का कुछ यहाँ पे 3 और उसके बाद में 6 और 6 और 6 वापस से रिपीट हो रहा है, यानी कि कुछ डिजिट्स के बाद में फिनिश हो जाते हैं, वो आप लोगों के कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और ये बाकी जो बचे वो किसके हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जितने भी है ना, ये तीनों आप लोगों को इसमें क्या सिमिलरिटीज है कि भाई सब में क्या हो रहा है, रिपीटेशन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में जो रिपीटिंग वाला होगा ना, वही आप लोगों के रेशनल नंबर्स के लिए होगा, और एक आप लोगों का टर्मिनेटिंग वाला होगा, वही रेशनल नंबर्स के लिए होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि भाई रेशनल नंबर्स की बात करें और उनके डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो हमेशा कौन से होंगे, दो, कौन कौन से, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला, ये हमेशा रेशनल नंबर्स के लिए होता है, और हम लोग 10th क्लास में केवल और केवल रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करनी है कि रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। आप लोगों को क्या करना है, विदाउट डिवाइड करे हुए बताना है कि भाई उनका डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इनको सॉल्यूशन के साथ साथ में ये जब हुआ, इनके एक खास बात और है कि आप लोगों को विदाउट डिवाइड करे हुए कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपांशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता चलेगा इसकी, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ जो है इनका, अब रेशनल नंबर्स की बात करें हम लोग तो रेशनल नंबर्स में क्या होगा, पी अपॉन क्यू में हम लोगों को लिखना होगा रेशनल नंबर्स को, और क्यू क्या होगा, कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब जो रेशनल नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बात डिपेंड करेगी इस क्यू पे, क्यू पे कैसा करेगी डिपेंड, क्यू का जो आप लोगों के प्राइम फैक्टर्स है ना वो कैसे है, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स आप लोगों के पास में जैसे होंगे उसी तरह से उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर आप लोगों का 2×5 की फॉर्मेशन में, 2m×5 के पावर n की फॉर्मेशन में है, तब तो आप लोगों का डेसिमल एक्सपांशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे, तब तो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे। अगर क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2×2m×5 के पावर n की फॉर्मेट में नहीं होंगे तो फिर आप लोगों का कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे, क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे।
थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल रख लेता हूँ, छोटे एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास में मैंने लिखा यहाँ पे 3/5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.6, कितना हो जाएगा 0.6, फिनिश हो गया। अब इसको अगर पी वाई क्यू की फॉर्मेट में हम लोग रखे तो क्यू ई जी का स्क्वायर आप लोगों के पास में क्या है 5। अब इसका डेसिमल, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या हो सकते हैं सर, 5 ही है इसका, तो क्या ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, ठीक है। इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग इसको क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 × 5 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना, कन्वर्ट तो कर सकते हैं। कैसे करें कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी क्या करूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2×3 = 6 इधर आके, और ये वाला कितना हो जाएगा 2×5 कितना 10, यानी कि 6/10। दैट मीन्स जो क्यू होगा ना वो आप लोगों का किस फॉर्मेट में आना चाहिए, वो हमेशा 10 के फॉर्मेशन में या 10 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर वो 10 या 10 का मल्टीपल होगा तब उसके डेसिमल एक्सपांशंस कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे, और जब आप लोगों के पास में वो 10 या 10 के मल्टीपल के फॉर्मेशन में नहीं होगा क्यू की वैल्यू, तो आप लोगों का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे हम लोगों ने लिखा था कि 9/11, अब 9/11 का आप लोगों के पास में 0.818181 ऐसा आ रहा था आंसर, अभी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का क्यों हुआ, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 11, और 11 के जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2×5 की फॉर्मेशन में नहीं हो सकते। जब ये इस फॉर्मेशन में नहीं हो सकते तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं होगा, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, जैसे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएंगे उसके बाद में, आप लोगों की बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ एक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को बताना है सिर्फ डायरेक्टली कि किस टाइप के है, टर्मिनेटिंग टाइप के है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, हाँ भाई, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये आप लोगों को बता दिया है कि रेशनल नंबर्स है, दैट मीन्स ये पूरे के पूरे रेशनल नंबर है और इनके डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। रेशनल नंबर्स आपके मन में आते हैं आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। अब सर एक्चुअल में मैंने इस क्वेश्चन को सॉर्ट करके लिखा है, इसमें और ऐसा भी लिख रखा था कि विदाउट एक्चुअली में डिवाइडिंग, कि आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, कि आप लोग बैठेंगे डिवाइड करने लगेंगे फिर पता चलेगा, तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना कि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे, आप लोगों को क्यू के फैक्टराइजेशन करके देखने हैं, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स जैसे लिखा तो इसका मतलब है पी एफ ऑन क्यू की फॉर्मेट में, तो ये क्यू है ना, क्यू नीचे वाला है इन सबका, इसका क्यू ये है, इसका क्यू ये है, ये सारे क्यू है, तो इनके आप लोगों को फैक्टराइजेशन करके देखने हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब अगर किसी में पी एफ ऑन क्यू अगर आप लोगों के पास में है और क्यू की वैल्यू अगर आप लोगों के 2^m × 5^n के फॉर्मेशन में आती है तब तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग टाइप का, तब तो कैसा होता है टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। अगर आप लोगों के पी एफ ऑन क्यू में क्यू की वैल्यू 2^m × 5^n की फॉर्मेशन में नहीं आए या फिर 2^m × 5^n की फॉर्मेशन के साथ साथ में ही मल्टीप्लाई में और कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए और कुछ भी आ जाए, या तो ऐसी हो ही नहीं या फिर यह क्या है कुछ और भी आ जाए, तब आप लोगों का इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा कि या तो ये ऐसा हो ही नहीं या फिर कुछ और भी आ जाए मल्टीप्लाई में साथ में, तब इसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसके जो क्यू है उसके फैक्टराइजेशन करके देखने हैं, प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को फाइंड आउट कर करके चेक करना है कि इसके डेसिमल एक्सपांशन कैसे है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट का डेसिमल एक्सपांशन प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, 3/1 = 25,
इसका डेसिमल एक्सपांसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 6 टाइम, फिर उसके बाद में यहाँ से 2 5, फिर आप लोगों का 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये 125 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम, और फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, और फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है भाई, यानी कितना हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 13/5 की पावर 2 की पावर तो यहाँ क्या है 0, और 5 की पावर क्या है यहाँ पे 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी है 5, 5 की पावर कितनी है 5, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा हो गया भाई, टर्मिनेटिंग टाइप का, पहले का कैसा हो गया टर्मिनेटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव, मतलब रुक जाने वाला, जब कुछ ही समय में रुक जाए, जो शांत हो जाए, दैट मीन्स टर्मिनेट हो जाए। इसकी बात कर लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपांसन आपको 8 का तो पता है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो आप जैसे यहाँ 2 की पावर 0 बनाए ना, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को हम लोग इसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कि 17 तो है ही, इसको ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसका क्या हो जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 17 5 85, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, इसका भी टर्मिनेटिंग टाइप का, कैसा हो गया टर्मिनेटिंग टाइप का। अब इसकी बात करें, इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 4 अपॉन में 4 5 5, इसका डेसिमल एक्सपांशन के लिए अपने पास में क्या रहेगा 4 5 और 5, 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 टाइम, और ये 1 टाइम, 9 टाइम और 1 टाइम, फिर से अब किसका डिवाइड होगा 7 का 13 टाइम, और फिर 13 का 1 टाइम, क्या हो गया भाई इसका डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ से एग्जाम्पल को मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख लेता हूँ, 64 अपॉन में 4 5 5, ये थर्ड एग्जाम्पल, इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखेंगे तो 640 अपॉन में 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1। देखिए भाई 5 की पावर m तो है, मैंने कहा था वहाँ पे कि भाई 2 की पावर m और इंटू 5 के पावर n के अलावा और कुछ अगर मल्टीप्लाई में आता है तो भाई डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाएगा, रिपीटिंग टाइप का, यानी इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाएगा। इसकी बात करें तो हम लोग इसका तो आप लोगों को सिंपली दिख ही रहा है, 10 या 10 का मल्टीपल कोई भी होगा तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 00 या लास्ट में, अगर क्योंकि लास्ट में जीरोज आते हैं तो इसका मतलब होता है वो 2 की पावर 2 × 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, यानी उसका टर्मिनेटिंग कैसा हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं 343 का फाइंड आउट करेंगे तो साइज 7 से डिवाइड हो गए 4 टाइम, फिर आप लोगों के कितना हो गया 9 टाइम, फिर 7 से 7 टाइम, और फिर 7 से 1 टाइम, यानी कि कितना हो जाएगा ये 29 अपॉन में 7 की पावर 3, कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्योंकि वैल्यू क्या है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या नहीं है 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्मेशन में नहीं है, इसलिए अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों को, डायरेक्टली आप लोगों को 23 अपॉन में 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब इसका तो डायरेक्टली क्या हो गया टर्मिनेटिंग टाइप का, डायरेक्टली कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या आप लोगों का क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल तो है आप लोगों की बुक में, जिसमें आप लोगों को क्या रहेगा 129 है
उसका डेसिमल एक्सपांसन बताना, 2 के पावर लगभग 2 था यहाँ पे, और 5 के पावर 7, और उसके अलावा 9 की या 7 के पावर 5 और कुछ होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा भाई, ये आप लोगों का 8th एग्जाम था। इसका डेसिमल एक्सपांसन वही 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तो है ही है, साथ में और कुछ और है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एक ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो 7/80 क्या हो जाएगा, 7/80। अब 7/80 है अगर आप लोगों के पास में, तो 7/80 का, तो 80 के डेसिमल एक्सपांसन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/ में 80 के लिए आप लोगों के क्या रह जाएगा, 2/40, फिर से 2 डिवाइड करेंगे 20, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 10, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 20, 25 जा 20, ये हो जाएगा 16 सॉरी। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 के पावर 1 कैसा डेसिमल एक्सपांसन भाई, टर्मिनेटिंग टाइप है, क्योंकि क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे हो गए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेशन, कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप का। तो ये आप लोगों के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप लोगों को बताना है कि दिए गए नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। आप लोगों को कुछ नहीं करना, रेशनल नंबर्स को देखना है, रेशनल नंबर्स में क्यू जो है ये वाला, उसके फैक्टराइजेशंस करने हैं, प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को आने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आ रहा है, चाहे वो कितनी भी बार आए, क्या आ रहा है, 2 और 5, तब तो उसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा और कुछ आता है या 2 और 5 के साथ में और कुछ आता है तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उन नंबर्स के डेसिमल एक्सपांसन आप लोगों को पिछले जो क्वेश्चन था उसमें तो बताना था कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग था। इसमें क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, वो लिख के बताना है कि जिन जिन क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है उनको लिखना है कि वो कौन सा है, कौन से है और कैसे है। मैंने उन क्वेश्चंस को लिखा है जो आप उनको लिखा है जिनका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग था। एक तो आप लोगों का 13/3125 था, 17/8 एंड सो ऑन, ये आप लोगों के 6 क्वेश्चंस थे, 6 थे जिनका डेसिमल एक्सपांसन कैसा था, टर्मिनेटिंग टाइप का था। अब आपको लिख के बताना है कि कैसा है। दो चीज़ें हैं, या तो आप लोग डिवाइड करके बता दें या फिर विदाउट डिवाइड करके बता दें, कैसे, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और उन प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या कर लें आप लोग, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें और फिर उनको 10 के फॉर्मेट में रख दें और वहाँ से डायरेक्टली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लाइक जैसे मैं एक ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 17/8 इसका डेसिमल एक्सपांसन आप मुझे बताना, तो मैं क्या करूँगा, इसका 7/2 के पावर क्या हो गया, 3, 7/2 के पावर 3। अब इसका तो ये तो क्या है, छोटा है, इसलिए मैं क्या करूँ, इसको तो डिवाइड ही कर लूँ, या फिर डिवाइड नहीं करूँ तो मैं पहले ये वाला तरीका बता दूँ, या मुझे 5 के पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 के पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 × 5 3 टाइम है ना, × 5 और × 5 और × 5 ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, 2 की पावर 3 है और × 5 की पावर भी 3 है। अब इसको क्या लिखे हम लोग, 17 × 5 5 × 5 25 और 25 × 5 कितना हो गया, 125, कितना हो गया, 125। ये 125 कौन में, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के पावर सेम किए, क्यों, क्योंकि दोनों को एक साथ लिख के पावर सेम करने के लिए, यहाँ पे 2 × 5 को एक साथ लिख दिया और उसकी पावर क्या लिख दी मैंने, 3 लिख दी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो हो गया 17 × 125, उसको तो अभी मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख दें, और नीचे वाला 2 × 5 कितना हो गया, 10, और 10 की पावर कितनी, 3। अब इसको लिख दीजिए, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यहाँ से क्या हो गया, 17 × 5 = 85 और कैरी का आप लोगों का 8, और ये कितना हो जाएगा, 42 का 2 और कैरी का 4, 17 × 21 कितना हो गया,
2125 कितना हो गया यहाँ से 2125 और डिवाइडेड बाई 10 तो यहाँ से क्या लिखेंगे कितनी पावर पावर 3 है तो 1230 लग गई और यहाँ से 30 थ्री डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.125 आप लोगों के पास में क्या आ जाएंगे डेसिमल एक्सपांसन हो जाएंगे क्या हो जाएगा ये डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा किसका इसका 17/8 का ये तो रहा इस फॉर्मेट से अगर आप लोगों के पास में हम लोग दूसरे फॉर्मेशन से करते जिससे हम लोग डिवाइड करके करते कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कुछ क्वेश्चंस में आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जैसे मैं इसको ही करता 17 डिवाइड करना था मुझे 8 का कितने टाइम फर्स्ट तो 2 टाइम डिवाइड चला गया 16 अपॉन में कितना रह गया आप लोगों का यहाँ से 1 अब 1 में तो डिवाइड जाता नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया यहाँ 0 लगा दिया कितने टाइम ये 1 टाइम हो गया आप लोगों के पास में 8 क्या रह जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 फिर आप लोगों के पास में 2 टाइम चला गया ये 16 फिर क्या हो गया 4 और यहाँ से क्या रह गया 0 ये कितना टाइम चला जाएगा 5 टाइम और ये 40 और जैसे 0 रिमाइंडर बचा तो आप लोगों के पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.125 इसका मतलब 17/8 का डेसिमल एक्सपांसन कितना हो गया 2.125 कैसा रहा डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग टाइप है क्योंकि कुछ कितने डिजिट के बाद में फिनिश हो गया थ्री डिजिट्स के बाद में ये क्या हो गया फिनिश हो गया इसका मतलब क्या हुआ टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांसन हो गया तो इसी तरह से आप लोगों को इसका और इसका लिखना है या तो आप लोग डिवाइड करके लिख दें या फिर क्या करके लिखें इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दीजिए अब जैसा आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग सोल्व करके बता दीजिए जैसे मैं एक और एग्जांपल इसी में से लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ले अगर अब मुझे जैसे ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन लेंगे ना उसमें आप लोगों को दिक्कतें आएगी डिवाइड करने में जैसे मैं ये लूँ 13/4 में 3125 अब 3125 का डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को इसलिए मैं इसका जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना आप लोगों ने 13/4 में इसकी पावर कितनी आई थी इसकी पावर फैक्टराइजेशन आया था मेरे पास में 5 और 5 यहाँ से जैसे 3125 करें तो 625 फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो 125 और 5 और यहाँ से 25 और ये 5 और ये 5 5 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ से उसके बाद में अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करें 2 के पावर 5 से और 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 के पावर 5 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 2 के पावर एक साथ में 5 ठीक है अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32 32 इंटू 13 13 इंटू में 32 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 5 अब यहाँ से 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 41 416 कितना हो गया 416 और नीचे आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा 416 अपॉन में 1 2 3 4 5 आप 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 तीन ही डिजिट है आगे क्या करेंगे हम लोग यानी 0 लगा दीजिए 6 1 4 एक डिजिट और 2 डिजिट कितने डिजिट हो गए टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई तो यहाँ आप लोगों का पॉइंट लग जाएगा और ये 0 लग गया और ये आप लोगों का डेसिमल एक्सपांसन हो गया किसका 13/3125 का डेसिमल एक्सपांसन क्या हो जाएगा 0.00416 के डेसिमल एक्सपांसन इस तरह से आप लोगों को डेसिमल एक्सपांसन करके बताने इनके इन नंबर्स के जिनके टर्मिनेटिंग टाइप क्या है इसका टर्मिनेटिंग है इसका टर्मिनेटिंग है इसका टर्मिनेटिंग अब इसका डिवाइड करने के लिए वही डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप लोगों की जैसे आप लोगों की चॉइस हो
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, 15 अपॉन में 1600, या तो प्राइम फैक्टर, इस बार मैं डिवाइड से करता हूँ इसको, ज्यादा इजी हो सकता हो जाए। 1600 पहले तो 15 में जाएगा ही नहीं आप लोगों का, फिर क्या होगा, ये जीरो, इधर एक जीरो पॉइंट, उसके बाद में एक और जीरो चाहिए तो आप लोगों का एक जीरो यहाँ लग गया, दो जीरो हो गए तो भी नहीं जाएगा, फिर आप लोगों को एक जीरो लगाएगा तो फिर आप लोगों को यहाँ से, अब इतना बड़ा डिवाइड करना आप लोगों का इम्पॉसिबल, इसलिए इसको क्या करें, या तो इन डबल जीरो को पहले से अलग से रख लें, या फिर क्या करें आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके जाए आप लोग, कि भाई 16 को हम लोग डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2800, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे 400, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे 200, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 का डिवाइड करेंगे तो 50, 2 का डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया यहाँ से 15 अपॉन में 2 की पावर 6, और 5 की पावर कितनी 2, अभी भी नहीं आ रही बराबर, बराबर पावर्स करने के लिए क्या करें हम लोग, 15 अपॉन 2 की पावर तो यहाँ तो 6 है, इंटू 5 की पावर भी 6 करने के लिए इसको 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, पावर सेट हो के कितनी हो जाएगी 6 पावर हो जाएगी, और 2 की पावर भी 6 हो जाएगी, लेकिन ऊपर आप लोगों का 5 की पावर 4 यानी 5 इंटू 5 और इंटू 5 और इंटू 5 और इंटू 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 25 और 625, 625, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और अपॉन में नीचे हो जाएगा 2 × 5 की पावर यहाँ से 6, अब 625 को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, कितना हो जाएगा 5 कैरी का 7, 37, 7 यहाँ से 3 कैरी, और ये क्या हो जाएगा 93, यानी कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों के पास में 9375 अपॉन में 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यानी 9375 और अपॉन में 1 के बाद में 10, कितने जीरो, 6 जीरो लगेंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आप लोगों के पास में, कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए, अब 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो अपने पास में तो 5 है 7 है 3 है 9 है, 1 2 3 4 डिजिट ही है, 1 जीरो और 2 जीरो आप लोग इसमें इंक्लूड करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इसके आगे एक जीरो, ये डेसिमल एक्सपांशन हो गया इसका, किसका हो गया 0.00935, कितना हो जाएगा 9375, ये डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा 15 अपॉन में 1600। अब जैसे नेक्स्ट आप लोगों के पास में क्या है, नेक्स्ट जो है वो इस तरह से है, 23 अपॉन में 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, अब इसमें तो बड़ा सिंपल सा की काम है, 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर क्या है 2 ही है, एक एक पावर एक एक डिजिट और बढ़ जाए, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो ऊपर तो हो जाएगा 23 × 5 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा आप लोगों के 5 और ये 5 हो जाएगा और ये 11, 115 आप लोगों, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 115 अपॉन में 10 की पावर 3 यानी कि 115 अपॉन में 10 और 0 यानी कि 0.115 आप लोगों का इसका डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन कितना हो जाएगा 0.115, 0.115,
अब ये बचा 6 अपॉन में 15 और 35 अपॉन में 50। 6 अपॉन में 15 की बात करें हम लोग, इसका तो डायरेक्टली डिवाइड करके कर दीजिए भाई, क्योंकि इतने छोटे का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.4, क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है 35 अपॉन में 50, इसका भी डायरेक्टली आप करना चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, डिवाइड वैसे करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं। ये आप लोगों का 0.7 हो जाएगा इसका सिंपली। तो ये आप लोगों के कुछ डेसिमल एक्सपांशंस थे जो आप लोगों को कन्वर्ट करने हैं और आप लोगों को आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आप लोगों के चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का सीबीएसई में और आरबीएससी में, उसमें दोनों में आप लोगों को एग्जांपल लिखने, तीन एग्जांपल लिखने हैं किसके, इरेशनल नंबर्स के। किसके लिखने हैं इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिखने हैं, उसमें कुछ कंडीशंस दी है, उन कंडीशंस को आप लोग रीड कर लें अच्छे से और वो एग्जांपल्स आप लोगों को लिख लें। कुछ भी लिख दीजिए भाई एग्जांपल्स में, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, या हो सकता है आप लोगों को उनमें से एग्जांपल वहाँ पे दिए हुए हैं तो उनमें से चूज करना है कि उसके बीच में से कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, तो वो आप लोग एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों को इस तरह से गिवन है, ये तीन एग्जांपल है और बता रहे हैं कि भाई इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है। भाई अगर इनका डेसिमल एक्सपांशन अगर p अपॉन q की फॉर्म में है ना, तो आप लोगों को इस q के बारे में कमेंट करना है। आप करते हो ना फोटो पे देख देख के कमेंट फेसबुक पर, इस पर कि उस पर कमेंट, इसका कमेंट, तो आपको यही देख के कमेंट करना है कि q जो है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे इस ये वाला साल 2020 आप लोगों के कैसे कैसा चल रहा है कोरोना की तरह, वैसे क्यों जो है वो कैसा है, बढ़िया है या फिर बहुत बढ़िया है, ये बताना है भाई आप लोगों को। तो इस नंबर को देखिए जरा ध्यान से देखिए भाई, क्या है 43 यानी 43 पॉइंट है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ जाके क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ सर, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। अगर टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है तो आपने अच्छी तरह से हमें बताया था क्या कि जिन जिन नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है उनका क्यू जो होता है ना, यानी डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2m / m × 5n³ में होता है। यानी इसमें क्यू के बारे में ये कमेंट लिखना आप लोगों को, दैट मीन्स ऐसे लिखना है कि गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, सो द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n। दैट मीन्स जो दे आप लोगों को नंबर है वो कैसा है, रेशनल नंबर है वो आप लोगों का, जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, और उसमें जो डिनोमिनेटर है क्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्मेशन में 2m / n × 5n। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर्स है भाई, कैसा सर कैसे पता चला 1 2 1 2 1 2 तो आ रहा है लेकिन कुछ और भी अजीब सा आ गया, 1 2 के बाद में 1 0, 1 2 के बाद में 2 0, 1 2 के बाद में 3 0, 1 2 के बाद में 4 0। दैट मीन्स ये आपके इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ नहीं करना आप लोगों को, कुछ नहीं करना इसके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नहीं होता तो क्या कहेंगे हम, जब हमारे पास में ऐसा है नहीं। वही बात कि किसी की फोटो आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है तो कमेंट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में कुछ नहीं करना। अब इसके बारे में आप लोगों को बताया कैसा होगा भाई, जब ये लाइन खींच जाती है तो इसका मतलब है बार बार ये लाइन ही आती रहेगी, यानी रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन होगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मतलब आप लोगों के पास में क्या होगा कि सर 2m / 5n की फॉर्मेशन में नहीं होगा, इसके साथ में कुछ और भी होगा, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा नहीं होगा, 2m / 5n की फॉर्मेशन में नहीं होगा, इसलिए ये आप लोगों के पास में इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं होके ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। ठीक है भाई, ये आप लोगों का रियल नंबर चैप्टर फिनिश है हमारी तरफ से।
अब आप लोगों के पास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मिसलिनियस के क्वेश्चन है जैसे आरबीएससी में और आप लोगों के सीबीएसई में भी जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सोल्व करें। अगर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी क्यूरीज होगी वो आप लोगों का सोल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आप लोगों के लिए एक बढ़िया शानदार जानदार चैप्टर हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें आप लोगों को बढ़िया चीज़ें और भी इस बार आप लोगों के लिए अच्छे अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें अच्छे से। जिन्होंने की पूरी टीम आप लोगों के साथ में लगी हुई है, जेपी सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे परेशानियों का सामना कर करके और आप लोगों के लिए इस कोरोना के संकट के समय में आप लोगों के लिए वीडियोज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे और कोरोना से बचते रहे। जय श्री राम, जय भारत।